वंडरफुल पीपल, नमस्कार। हैप्पी गुड़ी पड़वा आप सभी को, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे एज पर द हिंदूज रिचुअल्स, सो आई प्रे आई होप मे माता रानी ब्लेस यू विद हर चॉइसेस ब्लेसिंग्स। और आप जो भी कोई काम शुरू करने जा रहे हो या कोई फैसला लेने जा रहे हो या कुछ भी अच्छा आप करने जा रहे हो, आज का दिन आपका मंगलमय हो। और इसी नोट के साथ लेट मी स्टार्ट टुडेज वीलॉग। आज हम बात करेंगे उन कुछ हैबिट्स की जो मैंने खुद पर्सनली अपनी लाइफ में इन्वॉल्व की, इनकलकेट की, एंड आई हैड सीन लॉट ऑफ गुड चेंजेस इन मी। सो टुडेज टॉपिक इज फ्यू गुड हैबिट्स दैट हैज चेंज्ड माय लाइफ फॉर गुड। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप भी इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे, इनकलकेट करेंगे और अडाप्ट करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, तो आपकी लाइफ भी बेहतर हो जाएगी आज से ज़्यादा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, राइट एटलीस्ट 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर एवरी नाइट विदाउट अ फेल। यू रियली हैव टू मेक इट अ हैबिट ऑफ योर्स, एज इफ लाइक आपको नींद ही नहीं आती है जब तक आप ग्रैटिट्यूड नहीं शो कर देते उन चीज़ों के लिए जो वाकई आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस होल्ड करती है, और कुछ उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी जो शायद इतनी बड़ी नहीं है बट दे हैव गिवन अ स्माइल ऑन योर फेस, दे हैव हेल्प्ड यू इन सम और अदर वेज। जस्ट राइट 3 थिंग्स, स्टार्ट विथ 3 थिंग्स, यू कैन स्लोली इंक्रीज द लिस्ट, बट फॉर द फर्स्ट 21 डेज और 30 डेज और 40 डेज, जब तक ये हैबिट नहीं बन जाती आपकी लाइफ में, कोशिश कीजिए 3 उन बातों के बारे में लिखिए एवरी नाइट विदाउट अ फेल, कि जिनसे आपको खुशी मिली, जिनके लिए आप शुक्रान अदा करना चाहते हैं, उनको बोला हो या नहीं बोला हो डायरी में ज़रूर लिखिए। एंड मेक श्योर दैट यू आर रेजिंग योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस एंड यू आर सेंडिंग योर पॉजिटिव एनर्जी टू दोज पीपल एंड द थिंग्स टू। सेकेंड, प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 मिनट्स ऑफ साइलेंस एवरी डे, जहाँ और कोई शोर ना हो और कोई आवाज़ें ना हो, सिर्फ आप अपने आप को सुन पाए। डेली एटलीस्ट प्रैक्टिस इट फॉर 5 मिनट्स अलॉन्ग विद द ग्रैटिट्यूड। इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को, क्या आवाज़ें आती हैं अंदर से, किस तरीके की फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं जब आप कोई पर्टिकुलर बात सोचते हो या कोई मेमोरी रिकॉल करते हो, आपकी बॉडी सेंसेशंस कैसे हो रही हैं। इंट्रोस्पेक्ट yourself to the deepest core, it really gives you a lot of insight about yourself and that will really help you to plan your future courses. Third, have a very clear mind what you're really expecting from your life. लोग अक्सर बहुत वेग गोल्स बनाते हैं, आई वॉन्ट टू बी फेमस वन डे, आई वॉन्ट टू अर्न 1 crore इन एन ईयर, आई वॉन्ट टू राइड द मोस्ट एक्सपेंसिव कार। सी, ये सब गोल्स आपके बाय प्रोडक्ट होने चाहिए उस मेन गोल का, जब आप उसे अचीव कर लें तो। इट कैन नॉट बी योर गोल ऑफ योर लाइफ। यू रियली हैव टू डिग डीप इन योर सेल्फ, यू रियली हैव टू इंट्रोस्पेक्ट विद इन कि आप वाकई क्या चाहते हैं, आपका कहाँ पैशन है, किस चीज़ को आप ज़्यादा पसंद करते हैं, उस पैशन को आप कैसे मोनिटाइज कर सकते हैं कि आपको उस काम को करने में भी मज़ा आए और उससे आप पैसा भी बना पाएं। यू रियली हैव टू स्ट्रेटजाइज एंड प्लान, और उससे उसके लिए एक्चुअली आपको पहले अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना ज़रूरी है, जो मैं अपने सेकेंड पॉइंट से यहाँ कनेक्ट कर रही हूँ इस थर्ड पॉइंट को। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो योर सेल्फ very very deeply and clearly so that you have no biases what you really want in your life and you have no confusion at all. ये हुई professional goals की बात, personal goals के लिए भी you really have to dig deep in yourself कि आपकी core values क्या हैं। आप एक रिलेशनशिप में ऑनेस्टी को ज़्यादा महत्व देते हैं या रिस्पेक्ट आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है या अपनी फ्रीडम ज़्यादा ज़रूरी है, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द मोस्ट इसेंशियल थिंग फॉर यू इन योर पर्सनल लाइफ, और उस पर आप अपने रिलेशनशिप्स की नींव रखिए। जब आप ये ऐसा कहना चाहिए कि जब आप अपने मन में, अपने दिमाग में सॉर्टेड होंगे, इट विल बी ईजी फॉर यू टू सॉर्ट योर लाइफ एज अ होल एज वेल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हैबिट लिस्ट बहुत लंबी है बट आज के लिए मैं सिर्फ 3 शेयर कर रही हूँ। जो भी आपको क्लिक की हो, अपने दिल के सबसे पास लगी हो, प्लीज़ उसे प्रैक्टिस में लाइए, दैट इज़ दी ओनली की है। तब तक जब तक आपको नींद ना आए कि मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं किया, आज मुझे नींद नहीं आ रही है, या आज मैंने इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया अपने बारे में, मुझे नींद नहीं आ रही है, जब तक वो स्टेट ना आ जाए, कीप प्रैक्टिसिंग एंड मेक इट अ हैबिट ऑफ योर्स टू रियली चेंज योर लाइफ फॉर गुड।
एंड ऑफ कोर्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शायद किसी को ज़रूरत हो ये सुनने की, एंड कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कैसी आपको लगी। एंड इफ़ यू आर अ न्यू यूज़र प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कीप मोटिवेटिंग मी इन रिटर्न एज वेल। थैंक यू, नमस्कार।